वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम रिवराइन फिशरीज के बारे में, रिजर्वोर फिशरीज के बारे में, लेक्स एंड पोंड फिशरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कौन सी प्रोमिनेंट स्पीसीज पाई जाती है कोल्ड वाटर फिशरीज के अंदर, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो ठंडे पानी की मछलियाँ होती है कोल्ड वाटर फिशरीज होती हैं, ये ठंडे पानी के स्रोत जैसे कि पहाड़ी धाराएं हो गई, ताल हो गए, झीलें हो गई या फिर कोई भी मानव निर्मित जलाशय हो गया, उनके अंदर ये पाई जाती है। यानी स्रोत ये होते हैं ठंडे पानी के। पहाड़ियों के जल निकायों में कम तापमान होता है। अब ये जो पहाड़ियों के यानी कि जो भी ठंडे पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है, क्योंकि ये जो वाटर है यहाँ पे ठंडा होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो ये यहाँ पे क्या होगा, हाई ऑक्सीजन कंटेंट होगा और यहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और हाई वेलोसिटी यहाँ पे होती है। भारत में ठंडे जल निकाय कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बंगाल, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में मौजूद है। ठीक है, ठंडे जल के जो निकाय हैं या फिर ठंडे जल के जो स्रोत हैं वो पाए जाते हैं इन एरियाज के अंदर, इंडिया के अंदर। इसके बाद जो ये ठंडे जल निकाय है ये कहाँ से आते हैं, यानी कि इनके अंदर पानी कहाँ से आता है, ये स्ट्रीम से आएगा, रेन वाटर से आ सकता है या तो जो बर्फ पिघल रही है उससे ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है, जो भी ठंडे पानी के निकाय हैं वो पानी कहाँ से लेंगे, या तो स्ट्रीम से आएगा उनके अंदर, या तो रेन वाटर होगा, या तो मेल्टिंग स्नो से वो वाटर आएगा। ठंडे जल निकाय में मौजूद मछलियां तापमान में भिन्नता के संकीर्ण दायरे यानी कि नैरो रेंज में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं, यानी कि अडेप्टेड होती है। अब ये जो ठंडे पानी के अंदर जो भी मछलियां रहेंगी वो उनको कम टेम्परेचर, जो नैरो रेंज है टेम्परेचर की, कम टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट होना पड़ेगा। एंड ऐसी टाइप की स्पीसीज को बोला जाता है स्टीनोथर्मल। ठीक है, स्टीनोथर्मल इनको बोला जाता है। थर्मल वर्ड टेम्परेचर के लिए आया है, स्टीनो यानी कि यहाँ पे नैरो रेंज होगी, तो नैरो रेंज जो होती है टेम्परेचर की उसके अंदर इनको अडेप्ट होना होता है, उसके अंदर ये सर्वाइव करती है। इसके बाद कुछ ठंडे पानी की जो मछलियां हैं प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती हैं, जैसे कि लेबियो डेरियो हो गई, लेबियो डायोचिलास हो गई, ब्रिलियस प्रजाति हो गई, टोर पुटीटोरा, टोर खुदरी, इसके अलावा टोर मुसल, टोर मुसुला, टोर नेली, टोर प्रोजीनियस, एक्रोचिलियास, हेग्जो गोनोलेप्सिस, सीजोथोरेक्स स्पीसीज, गैरा गोटीली, साल्मोट्रूटा, साल्मोगर्नेरी जो कि रेनबो ट्राउट्स होती हैं, इसके अलावा बेरेलियस बेंडेलिसिस हो गई, बेरेलिस बोला, बेरेलिस वाग्रा, बेरेलिस गैंटेसिस हो गई, सिप्रिनिस स्कॉर्पियो, पुंटिस फिक्टो, इसके अलावा ग्लाइप्टोथेरेक्स पैक्टिनो नोप्रेलस हो गई जो कि इंडियन हिल ट्राउट होती है, एंड टिंका। तो ये सब स्पीसीज जो कि नेचुरली ठंडे पानी के अंदर पाई जाती है यहाँ पे। इसके अंदर लेबियो की स्पीसीज हो गई, टोर की हो गई एंड कुछ अदर स्पीसीज भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठंडे पानी की कुछ प्रोमिनेंट मछलियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट या फिर प्रमुख मछलियों के बारे में। जैसे इसके अंदर हम पांच मछलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है टोर। ये जो टोर है ये हिमालय की फुट हिल्स यानी तलहटी में कश्मीर से असम तक नर्मदा और तावी नदी जो होती है उसके अंदर एक पाए जाने वाले एक आम महसीर यानी कि कॉमन महसीर है। इसकी लंबाई 15 मीटर तक होती है। इसका सिर जो है, इसका सिर छोटा होता है, शोल्डर हेड होता है इसका। और जब ये युवा अवस्था में होती है, यंग स्टेज में होती है, तो ये कीट भक्षी होती है यानी कि इंसेक्टिवोरस ये होती है, इंसेक्ट्स के ऊपर ये ईट करती है। लेकिन जब ये वयस्क अवस्था में चली जाती है यानी कि अडल्ट हो जाती है तब ये हर्बीवोरस हो जाती है, शाकाहारी हो जाती है। यंग स्टेज के अंदर इंसेक्टिवोरस होती है एंड अडल्ट स्टेज के अंदर हर्बीवोरस ये होती है। प्रजनन काल जो है इनका ये जुलाई से दिसंबर तक होता है। तो ये हो गया टोर के बारे में। नेक्स्ट है टोर पुटीटोरा। इसे आमतौर पर हिमालयन महसीर या फिर गोल्डन महसीर के नाम से जाना जाता है और यह आमतौर पर उत्तरांचल की झीलों और ब्यास और सतलुज नदी में पाई जाती है।
इसका सिर जो है ये लंबा होता है थोड़ा सा, एंड इसकी लंबाई होती है 12 से 14 मीटर तक। यह साल में 3 बार, जो कि जनवरी से फरवरी, मई से जून और फिर अगस्त से सितंबर तक प्रजनन करती है। ठीक है, साल में 3 बार ब्रीड करेगी, जनवरी टू फरवरी, मई टू जून एंड देन अगस्त टू सितंबर। तो ये साल में 3 बार प्रजनन करेगी या फिर ब्रीड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट फिश आती है साल्मो गडनेरी। साल्मो गडनेरी जो है इसे आमतौर पर रेनबो ट्राउट कहा जाता है। ठीक है, इसे आमतौर पर रेनबो ट्राउट कहा जाता है और ये एक विदेशी मछली है, यानी कि एक एग्जोटिक फिश है, जिसे 1907 में उत्तरी अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, आयात किया गया था। इसका शरीर लंबा होता है, सिर इसका छोटा होता है और इसका मुंह भी कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। ये कई प्रकार के रंगों में पाई जाती है, जैसे इसका नाम ही है रेनबो ट्राउट, तो ये कई प्रकार के रंगों के अंदर ये पाई जाती है। यह नदियों में सफलतापूर्वक प्रजनन करती है और सबसे सफल विदेशी ट्राउट है। ठीक है, नदियों के अंदर ये क्या कर सकती है, सफलतापूर्वक प्रजनन करती है और सबसे सफल, हम बोल सकते हैं कि ब्रीडिंग के अंदर वहां पे अडेप्ट होने के लिए सबसे सफल एग्जोटिक ट्राउट है। रेनबो ट्राउट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की धाराओं, झीलों और मछली फार्मों में बहुतायत, यानी कि अबंडेंटली मौजूद होती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की धाराएं और कुछ झीलों के अंदर और कुछ फिश फॉर्म्स के अंदर ये अबंडेंटली पाई जाती है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के जलाशयों में यह मत्स्य पालन का प्रमुख भाग है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी हिल्स है उनके अंदर जो ये साल्मो गडनेरी है, ये वहां पे एक प्रोमिनेंट भाग है, प्रमुख भाग है फिशरीज का। तो ये हो गई यहाँ पे साल्मो गडनेरी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है साल्मो ट्रूटा फारियो। साल्मो ट्रूटा फारियो जो है, या आमतौर पर इसको ब्राउन ट्राउट कहा जाता है, ये भी एक विदेशी मछली है, एक्जोटिक फिश है और इसे मध्य और पश्चिमी यूरोप की पहाड़ियों से आयात किया गया था। एंड भारत में यह केवल व्यास, जो व्यास नदी है और कश्मीर के कुछ खेत और धाराओं में ये सफल है, वहां पे अच्छे से अडेप्ट कर पाती है एंड सक्सेसफुली वहां पे ब्रीड कर पाती है। इसका शरीर लंबा और सिर सिर इसका गोल होता है, शरीर इसका लंबा एंड सिर इसका गोल होता है, लगभग 40 सेंटीमीटर की ही होती है। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ये 40 सेंटीमीटर तक की होती है। प्रजनन के लिए ट्राउट ऊपर की ओर तैरती है, ताकि जो बजरी के बने हुए जो बिस्तर है, यानी कि जो ग्रेवल बेडिड शैलो वाटर है, वहां तेज धाराओं पर ये अंडे दे सके। ठीक है, वहां पे ये स्पोनिंग कर सके। तो ये ऊपर की ओर जाएगी और जो वहां पे ग्रेवल बेडिड शैलो एरियाज है उनके अंदर ये क्या करेगी, स्पोनिंग करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टिंका। टिंका आमतौर पर इसको ट्रेंच या फिर डॉक्टर फिश बोला जाता है। यह भी एक विदेशी ही ट्राउट है, जिसे 1876 के अंदर यूरोप और पश्चिम साइबेरिया से भारत में लाया गया था। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में की झीलों में बहुत सफल है। ठीक है, नीलगिरी की जो नीलगिरी पहाड़ियों की जो झील है उसके अंदर ही सबसे सफल है और इसकी अधिकतम मैक्सिमम लेंथ जो है ये 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसका शरीर लंबा होता है, सिर इसका छोटा होता है और इसकी पूंछ जो है ये गोल होती है। इसका रंग सुनहरा से हरा होता है, ठीक है, कहीं गोल्डन है एंड कहीं ये ग्रीन है, तो ये गोल्डन टू ग्रीन इसका कलर होता है। ब्रीडिंग पीरियड इसका फरवरी से अप्रैल तक होता है। इसके बाद जब इसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो एग्स हुए जैसे, फिर उनसे फिंगरलिंग्स बनते हैं, एक स्टेज आती है इनकी डेवलपमेंट के अंदर, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर फिंगरलिंग्स, यानी जब फिश फिंगर के साइज की हो जाती है तो उसको फिंगरलिंग बोला जाता है। तो फिंगरलिंग्स जो है प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस के ऊपर फीड करती है और जो वयस्क जब ये हो जाती है, अडल्ट जब ये हो जाती है, तो इंसेक्ट्स, वेजिटेबल डेब्री, सब्जी के मलबे और पलवकों यानी कि प्लैंक्टोन्स के ऊपर फीड करती है। ठीक है, जब ये यंग होती है यानी फिंगरलिंग होती है, तब तो ये प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करती है और जब ये अडल्ट हो जाती है तो ये इंसेक्ट्स, वेजिटेबल डेब्रिस एंड प्लैंक्टोन्स के ऊपर ईट करती है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है भारत के अंदर कुछ ठंडे पानी की प्रमुख झीलें की झीलों की अगर हम बात करें, ये लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, कोल्ड वाटर लेक्स है इंडिया के अंदर। इसके अलावा लेक्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ ये कोल्ड वाटर लेक्स ये हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है डल झील, वुलर एंड कृष्णसार। हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है रेणुका झील एंड इसके बाद उत्तरांचल के अंदर पाई जाती है भीमताल,
नैनीताल, सात ताल एंड नकुचिया ताल। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है ऊटी झील एंड कोडेकनाल। एंड देन केरला के अंदर पाई जाती है देवीकुलम एंड हाथी झील। तो ये अलग अलग टाइप की अलग अलग झील होती है जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर पाई जाती है इंडिया के अंदर। एंड ये कैसी है, कोल्ड वाटर झील है, कोल्ड वाटर लेक्स है। तो यहाँ पे हमने जो इनलैंड फिशरीज है उसके अंदर रिवराइन फिशरी, रिजर्वोयर फिशरीज, लेक फिशरीज, पॉन्ड फिशरीज एंड आज की वीडियो में हमने कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रैकिश वाटर फिशरीज का कल्चर कैसे किया जाता है, पर्ल कल्चर कैसे किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।